केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे और आएगी भी इंशाल्लाह उसी की। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अब समझ आया भाई क्यों आएगी, जब आप सुन लिया, आप समझ गया, सुनो इसलिए आएगी, सुन लो, आप सुन लो, एक ऐसा नेता जलवा दो जो जेल नहीं गया, सब नेता जेल, जब आप सुन लो भाई, कह दिया क्यों आएगी, इसलिए आएगी जो अवैध रूप से रोहिंग्या बसाए जा रहे, अरे चाचा रुको, इसलिए आएगी जो अवैध रूप से दिल्ली में रोहिंग्या बसाए जा रहे, बॉर्डर पार से घुस घुस के आ रहे, घुसपैठिया बसाए जा रहे, इसलिए आएगी, इसलिए आएगी, 7 साल से इमामों से, इमामों को सैलरी दी जा रही है, इसलिए आएगी, मंदिरों का टैक्स लूट के अपना शीश महल बनाया जाए, इसलिए आएगी, पानी का खा जाए पी जाए अपने शीश महल में लगवाए, इसलिए आएगी, DTC को घोटाले में ले जाए, इसलिए आएगी, जल विभाग को घोटाले में ले जाए, इसलिए आएगी। लेकिन क्यों आएगी, इनको मिल रहा है वो सारा पैसा। मणिपुर पे कौन से नेता ने बोला, खाली पे कौन से तुम्हारे नेता ने बोल दी, ये तो आज तक गया, आज तक ट्वीट करा, मणिपुर पे होम मिनिस्टर गया हुआ था, मणिपुर पे होम मिनिस्टर खुद गया था, क्या तुम्हारा नेता आज तक बोला? चाटता नहीं किसी भी गवर्नमेंट की, मैं चाटता नहीं, मैं जो सही है वो हूँ, जो सही है वो है, इसीलिए चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है, जो इसने दिल्ली पी ली इसलिए चाटे जा रहा है, क्राइम करने के लिए गया, एक महीना तो कौन सा क्रिमिनल बच रहा है, सबके बम्बू धर है, योगी बाबा दिल्ली की जनता ने क्यों नकार दिया केजरीवाल को? मेरे भाई जितने चुनाव, मेरे भाई जितने चुनाव हुए सबसे ज्यादा बीजेपी के जीत गए, इनकी सत्ता होते हुए MCD में सारे जितने जोन में जीते हैं सब बीजेपी के जीते हैं। अरे जाओ तुम, देश की जनता ने देख ली केजरीवाल को, अन्ना को ठग के आए, अन्ना के जो सारे लूट करके आए और आज देश की दिल्ली की जनता को लूटते लूटते खुद तिहार जेल में, उसकी वो उसके पक्ष लेने के लिए यहाँ खड़े हो जाते, कुछ पढ़ लिख के आया करो उसके कारनामे को, वो आया था इस सोच करके कि आया है पढ़ा लिखा लोग है दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दूं, मुख्यमंत्री बनते ही देखो क्या करा, ये दे आज DTC घाटे में, आज जल बोर्ड घाटे में, आज मोहल्ला क्लिनिक घाटे में, आज सारी चीज घाटे में जा रही है, वो पैसे गए कहाँ, वो सारे पैसे गोवा में लगाए, में लगाए हैं, बताइए फिर आप हिसाब दे रहे। चाचा ने एक बात कही, पढ़ लिख के आना यहाँ पे, ठीक है आप भी पढ़े लिखे, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, आप सब मुझसे भरे हैं, मैं ना गवर्नमेंट स्कूल में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भरा हूँ है ना, तो जो यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल है ना प्राइवेट को टक्कर देती है, मैं केजरीवाल के साथ हूँ और मैं सपोर्ट में हूँ, और भाई तूने अभी कहा था ना कि जेल में क्यों, अगर वो बेगुनाह है ठीक है ना, अगर तुझे केस के ज़्यादा नहीं पता तो 23 साल तक है ना एक बेगुनाह था जेल में, जब वो रिहा हुआ ना तो बेगुनाह हुआ था ना, सुन रुक जा, CM नहीं था जो भी था 23 साल तक, CM नहीं था, एक बात बोल दूं, जब वो बेल पे इतने टाइम, अरे रुक जा, तूने कहा CM की बातें करी कि बेगुनाह था, अब काउंटर करियो, अब बात सुनो, बेगुनाह था 23 साल तक तो मान गया, अगर यही होता कोई CM की जगह, कोई पब्लिक होता, आम नागरिक होता, नो वारंट के बाद क्या ऐसे गायब रहता, बताओ, पहले वारंट में उठा लिया जाता। और दूसरी बात सरकारी स्कूल की बातें करते, उसी सरकारी स्कूल में किंतन जैसे बच्चे की हत्या हो जाती है, पता नहीं लगा आज तक कैसे हत्या हो गई, जहाँ फ्री वाले ठेके में पांच बाउंसर, 7-7 कैमरे होते थे, सरकारी स्कूल में कुछ है नहीं, 5 लाख का सरकारी स्कूल में कमरा बनता है, ये सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल घोटाला है, टक्कर ऐसे दे रहे कि मर्डर का बता रहे हैं। देखिए भैया, भाई आपकी सारी बातें सही है, मैं मानता हूँ, मानना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं मानता हूँ, तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा, केजरीवाल गलत नहीं है ना, केजरीवाल गलत है, केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे और आएगी भी इंशाल्लाह उसी की, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अब समझ आया भाई क्यों आएगी, जब आप सुन लिया, आप समझ गया, सुनो इसलिए आएगी, सुन लो, आप सुन लो, एक ऐसा नेता जलवा दो जो जेल नहीं गया, सब नेता जेल, जब आप सुन लो भाई, कह दिया क्यों आएगी, इसलिए आएगी जो अवैध रूप से रोहिंग्या बसाए जा रहे, अरे चाचा रुको, इसलिए आएगी जो अवैध रूप से दिल्ली में रोहिंग्या बसाए जा रहे, बॉर्डर पार से घुस घुस के आ रहे, घुसपैठिया बसाए जा रहे, इसलिए आएगी, इसलिए आएगी, 7 साल से इमामों से, इमामों को सैलरी दी जा रही है, इसलिए आएगी, मंदिरों का टैक्स लूट के अपना शीश महल बनाया जाए, इसलिए आएगी, पानी का खा जाए पी जाए अपने शीश महल में लगवाए, इसलिए आएगी, DTC को घोटाले में ले जाए, इसलिए आएगी, जल विभाग को घोटाले में ले जाए, इसलिए आएगी। लेकिन क्यों आएगी, इनको मिल रहा है वो सारा पैसा, सारा पैसा इनको मिल रहा है, इसके लिए इनको लिया आएगी। लेकिन यह देख लो, दिल्ली का नागरिक मैं भी हूँ, जैसे 7 के 7 हराई, दोबारा वैसी हरा के भेजेंगे इसको, इस बार जनरल को मिलते हैं 1000, इनको मिलता है 1500 रुपए, इसलिए आएगी। इंडिया की आधे से ज्यादा, इंडिया की आधे से जमीन ज्यादा चाइना ने कब्ज ली, पर मोदी कोई नहीं बोलेगा, ना कोई न्यूज वाला बोलेगा, ऐसा है भाई, ऐसा है, तुम नहीं बोलोगे भाई। मणिपुर पे कौन से नेता ने बोला, खाली पे कौन से तुम्हारे नेता ने बोल दी, ये तो आज तक गया, आज तक ट्वीट करा, मणिपुर पे होम मिनिस्टर गया हुआ था, कोई नेता नहीं बोला।
मणिपुर पे होम मिनिस्टर खुद गया था क्या तुम्हारा नेता आज तक बोला? मोदी की बड़ाई सुननी है तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल देखो, उनका सुनो मोदी क्या तोप है वो बताएगा। इंडिया की प्रधानमंत्री नहीं नहीं यानी अच्छाई करेगा कोई दिल्ली आधे से ज्यादा इज्जत चाइना ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली तक पहुंचने वाला चाइना है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, इंडिया के पास टोटल लैंड कितना है ये बता दो खाली। इंडिया के पास टोटल लैंड गलत पे में निकल गया मैं कह रहा हूं। इंडिया के पास टोटल लैंड कितना है ये बताओ। इंडिया के पास में टोटल लैंड कितना है ये बताओ। 7 के आसपास होगा। कितना है तुम्हें बता दो। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सही बात है। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सरकारी सुनिए सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का फर्क देख लिया आप? टक्कर देने की क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? टक्कर देने की बात कर रहे थे। मैंने अभी गूगल नहीं किया था, नहीं तो मैं बता देता। भाई भाई भाई, बस 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 ब्रो, गूगल भी नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। 32 लाख मैं चाटता नहीं किसी भी गवर्नमेंट की, मैं चाटता नहीं। मैं जो सही है वो बम्बू डाल देगा ना इनको, क्राइम करने नहीं लगाया। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई साहब। कौन झुका रहा है मुसलमानों को? नहीं कुछ लोग, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया, बम्बू दे देगा तो किसी के मुसलमान के बस की नहीं है, बम्बू दे देगा। चल रहा है बुलडोजर, सब पे चल रहा है बुलडोजर। योगी दे रहे हैं, सबके दे रहे हैं। एक मिनट, कौन सा क्रिमिनल बच रहा है? सबके बम्बू दे रहे हैं। अरे योगी बाबा, एक मिनट, सिर्फ इसी बात का फायदा लेते हैं कि हमें दबा रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमें कौन दबाएगा? अरे सुन तो लो यार, आपको आपको देखकर सब समझ रहे हैं, कोई नहीं दबा रहा। जहाँ काम की बात कर दो, कायदे की बात कर दो, बोले हम मुसलमान हैं। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, ना डरेंगे। कहीं पे भी खड़े हो जाए आवाज यही रहेगी और दंगा करेंगे, आवाज यही रहेगी। जो ये कह रहे हैं ना, कोरिया में नहीं बोलते किसी से नहीं डरते, इसराइल में नहीं बोलते किसी से नहीं डरते, चाइना में एक एक मस्जिद गिरवा दी गई है तब नहीं बोलते किसी से नहीं डरते। एनआरसी से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। एनआरसी सीसीए लागू करके दिखाना, असम में लागू है भाई साहब। एक मिनट, एनआरसी और सीए होता क्या पहले तो ये बताओ। एनआरसी सीए वो है कि अगर जो यहाँ इंडिया में रहता है ना, तो उसे 20 ईयर्स पहले की डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेगा कि वो इंडियन है। पर ये बाकी और मजहब और मजहब लोगों पे नहीं है। ये सीए या एनआरसी? फुल फॉर्म बता दो दोनों के अलग अलग। एनआरसी क्या है आपको क्या जानना है? एनआरसी आप कह रहे हैं लागू करके, रुक जाइए, एनआरसी लागू करने की बात कर रहे थे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड, एनआरसी की बात करो। असम में एनआरसी लागू हो चुकी है। कहाँ पे? असम में। यहाँ पे हो गई, दिल्ली में हो गई। सीए पूरे देश में हो गया है। एनआरसी पूरे देश में लागू होता है हर 10 साल बाद। अभी नहीं होना। अरे हर 10 साल बाद होता है, ये बीजेपी नहीं कर रही है, ये हर 10 साल में होता है। सीए की बात कर रहा था जब कह रहे थे तुम। हो चुकी है, सीए तो हमें तो नहीं लग रहा, कहने से तो नहीं हो रहा, इनको पता नहीं कि सीए होता क्या है। लेकिन हल्ला तो इन्होंने शाहीनबाग में इतना मचाया, उन्माद मचा दिया देश के अंदर। सीए नहीं पता क्या है, इनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी ये हंगामा मचा रहे थे कि लागू नहीं होने देंगे। इन्हें सीए का मतलब नहीं पता, यूं कह रहे नहीं लागू हुआ। भाई क्या बताया, क्या बताया था? मतलब कि विदेशों से जो शरणार्थी आए हुए हैं मुसलमानों को छोड़कर, विदेशी भारतीय नहीं विदेशी, उनको नागरिकता देने का कानून है ये, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ब्रो अगर नॉलेज है तेरे पास तो उसकी घमंड नहीं कर, घमंड नहीं कर। हो सकता है तेरे पास तो है, हो सकता है तेरे पास वो नॉलेज, वो नॉलेज नहीं। ब्रो 2 मिनट पे पहले ये भी कर रहा था, स्कूल पे कर रहा था केजरीवाल के, जब सवाल पूछ रहे स्कूल का तो इनकी हो गई मोए मोए। अब कह रहे नॉलेज है तो घमंड नहीं करते। घमंड तो भाई हम कभी नहीं कर रहे थे ना कर रहे हैं।
भाई देखो, देखो ये चीज मानेंगे कि अगर नॉलेज नहीं है तो हमें उस टॉपिक पर चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। जो अभी आप एनआरसी सीए पर चिल्ला रहे थे, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली ना, दीपक नाम है। आप इनके सपोर्टर, मेरे सपोर्टर या मीडिया के साथ? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर गलत चीज पे आप बोलेंगे, आपको सीए का मतलब नहीं पता था आप चिल्ला रहे थे, आपको सीए का मतलब नहीं पता था आप चिल्ला रहे थे। अभी सीए का मतलब पता चला है, आप चुप हो गए। ये फर्क है। मीडिया से हथरस केस पे कुछ बोला था आपने? यूपी में हथरस, आपने देखा था हमारा चैनल। हम हर मुद्दे पर बोलते हैं। मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। समझ नहीं आता। हम हर मुद्दे पर बोलते हैं। बीजेपी किसी एक तरफ में मत रहो। योगी मोदी धर्म में मत रहो। मेरे मुंह से नाम सुना। योगी मोदी जिंदाबाद या योगी मोदी, एक बार भी नहीं सुना। जितने बदले यहाँ धर्म कर रहे हैं ना, तो उनके साथ हो ना। अगर मीडिया से हो तो सबको एक तरफ लेके चलो, ऐसा नहीं कि दूसरे वाले के साइड। फिर इलॉजिकल बातें कर रहे हो आप। आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है मीडिया वाले को। आप अपने हिसाब से मत चलो। तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, मीडिया वाले भी तुम्हारे साथ मिलकर बहुत प्रोपेगेंडा फैला। सुनिए, धर्म की बात जो कर रहे हो ना, अभी रुक जाइए। आप भी आके बोल रहे थे कि हम अल्लाह की सेवा किसी से नहीं दबते। अगर ये अपने धर्म के लिए बोल रहे हो तो क्या गलत है? मैंने आपको तो नहीं टोका, मैंने आपको टोका उस टाइम पे। आप मुझ पर ही सवाल खड़े कर रहे हो। आप भी स्वतंत्र हैं अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, ये भी स्वतंत्र हैं। ये संविधान से चलता है देश, और हर कोई स्वतंत्र है। फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत कहाँ है? धर्म क्यों? धर्म किसको हो रहा है? इंशाल्लाह मुसलमान किसी नहीं डरता। जब इन्होंने ये बोला था, क्या नाम है, मोदी आ गया तो बंबू दे देगा, जब इन्होंने कहा था इंशाल्लाह मुसलमान जीतेगा। ये भी बताइए किसी ने बोला था? पूरा सुने करो, फिर प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात है। सुना कुछ है नहीं, बस बीच में आ गए बंबू लेने। मैंने बोला था क्रिमिनल होंगे, टेररिस्ट होंगे। 2014 से मोदी जी हैं, किसके भाई बंबू दे दिए यार? ये कुछ भी बोलेंगे भाई, यार कुछ भी। यूपी में जब बुलडोजर चलता है, यूपी में जब गरीबों पे बुलडोजर चलता है, तब तो कोई नहीं बोलता। आतंकवादियों पे चलता है, गरीबों पे नहीं। तुम्हारे को आतंक, आईएसआई के एजेंट भी इसको गरीब लगते होंगे। सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हैं, गरीब है। मैं अब भी कह रहा हूँ, और सब कैमरे के सामने। एक चीज सुनो, पहले एक चीज सुन लो। धर्म और मजहब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आप मजहब की बातें करो, धर्म की नहीं करो। अरे नहीं है, अरे धर्म हमारा सत्य सनातन धर्म है, जो लाखों सदियों साल पुराना है। और मजहब का क्या मतलब होता भाई? मजे लेने वाला। अब सीधी सी बात, हर कोई जानता है। गलत मत बोलिए। लेकिन ये जो सुनिए, इन्हें तो मजहब को गलत बोलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं बोल रहा है। एक मिनट। आपने जो बोला योगी जी गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं, आपने देखा वहां जाकर कि किस पर कार्यवाही की जा रही, किस पर नहीं की जा रही? दिल्ली में रहता हूँ भाई, तो मेरा गेस्ट हाउस है। आपको कैसे पता यूपी में गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है? आप पहले मेरी बात पूरी होने देंगे आप? ठीक है ना, मेरा गेस्ट हाउस है, ठीक है ना। गेस्ट हाउस में ना हर स्टेट के लोग आते हैं, ज्यादातर यूपी के लोग आ रहे हैं। तो यूपी वाले बता रहे भाई हम पे है ना अत्याचार हो रहा है। क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या वो जो यूपी से आते हैं वो बोल रहे हैं? वो भी क्या अत्याचार है? अत्याचार, उनका घर तोड़ दिया जाता है। कह के ये तोड़ दिया जाता है कि रोड साइड पे उनके पास पूरे पेपर हैं, तब भी क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है? ना वकील कर रहे हो, ना दलील कर रहे हो, ज्यादातर बुलडोजर चला रहे हो। कोई इंसाफ है ये? सुप्रीम कोर्ट को खार के फेंक दो, लोगों को हटा दो ना। हाँ, लोगों को हटा दो, ये लोक कानून किस लिए? हटा दो इसको। जब ना आप मानते लोग ना वकील, आप मानते कहना चाहूंगा ने, अब अगर आप ही या मैं ही सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठ जाऊं और 85-70 साल से कब्जा करके बैठा रहूं, तो सरकार वो जमीन छोड़ा है ना। अब वो चाहे गरीब है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, अगर किसी ने आपकी जमीन पे, सरकार की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो उसे नो मुआवजा ही छूटना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गरीबों पर अत्याचार नहीं है, है? वो सरकार का इंसाफ है। बिल्कुल सही, सरकार का बहुत अच्छा। पर वहाँ पे अगर खान और कुमार हो ना, खान और कुमार, तो वहाँ पे फर्क हो जाता है। खान की जमीन तोड़ दो और कुमार को छोड़ दो, ये है ना। रुके, अगर अतीक अहमद वो था तो बेगार तुम्हें कौन था? अनिल दुजारा कौन था? क्या अनिल दुजारा मुसलमान था? नोएडा में शशिकांत त्यागी, वो कौन थे? मुसलमान थे? उसके ऊपर भी बुलडोजर हुआ ना, उसके मकान पे बीच में आप कहेंगे दुबे के साथ भी करा।
भाई अगर सुनो वाले जब सवाल खड़े करोगे तो लाएंगे ना ये कि एक तरफा। अब मैं गलत हूँ ना और मैं गवर्नमेंट के साथ मिला हूँ तो गवर्नमेंट इतनी चूतिया नहीं है, वो मरवाएगी मुझे कि मेरे पोल ना खुल जाए। समझदारों के लिए ना इशारा काफी है, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। भैया एक बात बताओ, ये भैया से मेरी पहली बात हुई है, ये मुझसे कहता है कि जब घर गिराए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के गिराए जाते हैं। मुझसे मैंने इससे एक बात पूछी, जितने लोग बम फाड़ते हैं दुनिया, मतलब जितनी जगह आतंकी हमले होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं? अब बताओ मैं क्या करूँ भाई? सुन, भाई साहब कहाँ भाग गए? क्या कह के गए? सुनिए बड़ी बात कि डर लगता है योगी बाबा से, और अभी कह रहे थे कि कोई पैदा नहीं हुआ कि डरा दे।